चेहरे वाला आदमी मेरे दादाजी की आंखें काट के निकालता है और वो भी डॉक्टर का कोट पहन के। इस सब का मतलब क्या है? हेलो हेलो शालिनी, विकी बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना याद दिलाने के लिए फोन किया है कि कल सुबह हमें गिरीश के साथ वो नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। मालूम है, याद दिलाने की जरूरत नहीं, और वो भी रात के 2 बजे। मुझे लगा तुम भूल गई होगी। वैसे भी फिर से याद दिलाने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आखिर ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। कितनी बड़ी बात है ना, सुख शांति को फिर से शुरू करने का काम हमें दिया गया है। सुख शांति? शालिनी, शालिनी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ विकी, ठीक है, कल सुबह मैं टाइम पे पहुंचाऊंगी। विकी, मैंने तुम्हें आज तक इतना मन लगाकर काम करते हुए तो कभी नहीं देखा। आखिर ऐसी भी क्या बात है इस प्रोजेक्ट में? अगर तुम्हें असली बात पता चल गई ना, तो तुम भी मेरी तरह उछलने लगोगी। असली बात? हाँ, देखो, ये है हमारी किस्मत का जैकपॉट। ये हॉस्पिटल जो कई सालों से बंद है, उसमें एक तहखाना है, बेसमेंट, जहां एक तिजोरी में किसी ने बहुत सारे पैसे छुपा के रखे हैं। क्या हॉस्पिटल के बेसमेंट में खजाना? हाँ, और वो खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। अब बोलो, है ना दिल लगाकर करने लायक काम? You're great, पर इस तिजोरी में कितने पैसे होंगे? कम से कम 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ इस डायरी में लिखा है। इसी डायरी से तो मुझे सब कुछ पता चला। डाइंग हॉस्पिटल की कहानी जो शालिनी भी नहीं जानती।
शिकार के पास चलकर आ रहे हैं। ले आओ गिरी, सब सबको ले आओ, बहुत काम कर रहा है। हे भगवान, क्या हाल बना रखा है हॉस्पिटल का। उस वॉचमैन को हर महीने किस बात की तनख्वाह देते हैं आप गए तो मुझसे अभी निकाल दो। निकाल दो? उस अजीब एक्सीडेंट में जब दादाजी की मौत हुई, उसके बाद यहाँ किसी ने कदम तक नहीं रखा। अब यहाँ कौन आएगा? अब यहाँ मैं आ गया हूँ ना, मैं इस हॉस्पिटल की वही शान वापस लेकर आऊंगा जो मेरे दादाजी द ग्रेट डॉक्टर डैन के जमाने में थी। लेकिन सर, आप यहाँ इतनी मेहनत क्यों करना चाहते हैं? इस एरिया में अस्पताल खोल के कोई फायदा नहीं। अगर आप इस जगह को बेचोगे तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ये बात तुम नहीं समझोगे, तुम सिर्फ पैसों की बात समझते। हाँ, बाय द वे, वो 10 बजे शालिनी और उसकी टीम आने वाली थी, उसका क्या हुआ? मिस्टर गिरीश, 10 बजने में अभी 2 मिनट बाकी है और शालिनी अपने अपॉइंटमेंट्स कभी मिस नहीं करती। आइए, सुख शांति हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। बस अब जल्दी से इस हॉस्पिटल को ठीक ठाक कर दीजिए। थैंक यू, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये है मेरी टीम जो मेरे साथ काम करेगी, तृष्णा, राजीव, विकी और सोना। ये है मेरे मैनेजर, आपको किसी चीज की जरूरत हो आप इनसे मांग सकते हैं, आपको हर चीज मिलेगी। लेकिन मेरा काम जल्दी होना चाहिए, आप लोग अपने अपने कमरे भी देख लीजिए। एक्चुअली 15 मई को एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं चाहता हूँ हॉस्पिटल उसी दिन शुरू। आप भरोसा रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए तैयार हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सुनल सुनल, हम लोग हैं ना, तुम्हें अलमारी में बंद करके मम्मी बनाकर रख देते हैं, फिर लोग कहेंगे सुनल मम्मी का हॉस्पिटल। ये सपना नहीं हो सकता, आवाजें तो दरवाजे के बाहर से आ रही है। ये आवाजें तो कॉरिडोर से आ रही हैं। जरूर किसी को कुछ हुआ है, लेकिन कौन हो सकता है? जाके देखना पड़ेगा। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, और वो दर्द में रोने वाली आवाज वो भी नहीं आ रही है। कहीं वो आवाज इस दरवाजे से तो नहीं आ रही थी। देखती हूँ, ये क्या, नो एंट्री का बोर्ड? इस दरवाजे को इतने अच्छे से बंद क्यों कर रखा है? ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इसे ऐसे बंद करना पड़ा?
कितना अंधेरा है यहाँ। लाइट्स, लाइट्स कहाँ होंगी? कितनी धूल जमा है यहाँ। कई सालों से यह कमरा साफ नहीं हुआ है। यही डॉक्टर डैंग का ऑपरेशन थिएटर लगता है। जगह कुर्सी पे बिजली का तार, इलेक्ट्रिक चेयर। कौन है ये आदमी? इसका चेहरा मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यही सपना इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। यही सपना मुझे यहाँ खींच लाया है। लेकिन ये आदमी है कौन जो सब पेशेंट्स को तड़पा रहा है? कौन है ये आदमी? दादाजी को तड़पा रहा है। नहीं, नहीं। मेरे नक्शे के हिसाब से यहीं पे कहीं होना चाहिए। कितनी धूल है यहाँ पर। डॉक्टर डैंग को कोई साफ जगह नहीं मिली अपने पैसे रखने के लिए? ये क्या है? अब इतने छोटे से कमरे में इस पार्टीशन की क्या जरूरत थी? मिल गया, सुनल मिल गया। मैंने कहा था ना, खजाना हमें जरूर मिलेगा। देखता हूँ खुलता है कि नहीं। देखता हूँ खुलता है कि नहीं। पीछे ये है हमारे किस्मत का दरवाजा। जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर? किसका डर और कैसे? राजीव तुम्हें पता है पेशेंट के बेड पे नहीं सोना चाहिए। अरे बाबा चुपचाप सो जाओ, कुछ नहीं होगा। मुंबई में हमारा अच्छा खासा काम चल रहा था। पता नहीं शालिनी को क्या सोचा इस भूत बगले को ठीक करने का। राजीव यहाँ पे आत्माएं बात में तो नहीं होंगी ना? त्रिष्णा तुम क्यों डर रही हो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो स्लीप। ओके स्लीप।
आवाज सुनी जैसे कोई इस कमरे की तरफ चलकर आ रहा है। या कृष्णा, विकी होगा या सोनल होगी, दोनों फिर से कोई मजाक मस्ती कर रहे होंगे। तुम भी ना एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ। वहां कोई चल रहा है राजीव, वहां कोई चल रहा है। कौन है वहां पे यार? बस बहुत मजाक हो गया, अब चुपचाप जाके सो जाओ और हमें थोड़ा सा रोमांस करने दो। वहां कोई चला राजीव, कृष्णा वहां पर कोई नहीं। प्लीज आकर देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है राजीव, प्लीज। ओके रिलैक्स, चल मैं जाता हूं। कृष्णा भी ना यार, क्या क्या बातें करती है। कृष्णा मैंने कहा था ना यहां पर कोई भी नहीं है, तुम भी ना यार। इतने सारे पेपर्स बिखरे हुए हैं, लगता है यह हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रूम है। ये हॉस्पिटल है कि कसाई खाना? अब समझ में आया, मेरे दादाजी डॉक्टर डैंग की छानबीन करने यहाँ आए थे। यहाँ कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। डैंग के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं, वो डॉक्टर नहीं बल्कि वो तो इंसान ही नहीं है। मैं इस डायरी में उन सारे पेशेंट्स की लिस्ट बना रहा हूँ जो डॉक्टर डैंग के हाथों से मरे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेडिकल बोर्ड डॉक्टर डैंग का लाइसेंस कैंसिल कर देगा। इसी वजह से डॉक्टर डैंग ने मेरे दादाजी को मार डाला। नींद खुल गई? दर्द हो रहा है? अभी तो थोड़ा होगा, लेकिन 5 मिनट बाद मेरी दवाई का असर शुरू होगा। जब मैं तुम्हें ये इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा तब बताना दर्द होता है या नहीं। रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं बताता हूँ। टेस्टिंग में थोड़ा बहुत दर्द होता है, रिलैक्स।
कहाँ चला गया राजीव, कहाँ ढूंढूं उसे? अचानक लाइट्स को क्या हो गया? मैनेजर, मैनेजर, अरे मैनेजर कहाँ चला गया? यहाँ पर कुछ भी ठीक से काम नहीं करता है। शालिनी को फोन करता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट की बात है बस। मैं ये पैसे डाल दूं, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। नहीं विकी, कृष्णा जरूर किसी मुसीबत में। विकी हमें यहाँ से चलना चाहिए। विकी, सोनल, सोनल एक मिनट की बात है, बस बस एक मिनट की बात है। सोनल, सोनल रुको, सोनल, सोनल। मैं डॉक्टर डैंग हूँ, ये हॉस्पिटल मेरा है और ये पैसे भी। लालच, इसी पैसे के लालच में आए थे ना तुम दोनों यहाँ। सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। बहुत मेहनत की ना यहाँ तक आने में। Thank you.
मारा सोनल को। हाँ, मैंने एक चीख सुनी थी, वो चीख उसी की थी। हाँ, उसी की थी। तुम्हारे दादाजी डॉक्टर डैंग, उन्होंने उसे मारा है। इस हॉस्पिटल में अभी भी उनकी आत्मा भटक रही है, इतने सालों से वो यही है। दादाजी की आत्मा? क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। देखो, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं, नहीं, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? ये मैंने मैंने खुद उन्हें देखा है। मैंने खुद डॉक्टर डैंग की डायरी पढ़ी है। ये हॉस्पिटल नहीं, मॉर्ग है, मॉर्ग है। यहाँ हर जगह कंकाल और हड्डियां पड़ी हुई है। अच्छा देखो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब डरने की कोई बात नहीं है। मेरे दादाजी महेश नाथ, वो गायब नहीं हुए थे। उन्हें भी तुम्हारा दादाजी डॉक्टर टैंग ने मारा था। अंदर अंदर अलमारी में उनकी लाश पड़ी हुई है। वो आ रहा है। गिरीश, गिरीश, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। गिरीश, गिरीश, अपनी जान बचाने के लिए भागो। गिरीश प्लीज, गिरीश अपनी जान बचाने के लिए भागो प्लीज। गिरीश, ओ गॉड, गिरीश, गिरीश। पर तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो आवाज, ये सब क्या हो रहा है? क्या शालिनी ने जो कहा वो सब कुछ सच है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो शायद खून है। खून के निशान कहाँ जा रहे हैं? ये तो मैनेजर है, मर चुका है। इसे किसने मारा होगा? डरो मत गिरीश, तुम तो मेरे अपने खून हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? तुम्हारे पिताजी मुझसे लूट गए थे, उसको मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं था, लेकिन आज मैं कितना खुश हूं, मेरा पोता यहां आया है मेरा बंद हॉस्पिटल फिर से चालू करने के लिए। मैं हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे जलते थे, उन्हीं की वजह से हॉस्पिटल बंद हुआ, उनकी वजह से मेरे एक्सपेरिमेंट बंद हुए, उनकी वजह से मेरी आत्मा आज भी यहां भटक रही है। ये देखो। मुझे कुछ नहीं होता, मुझे दर्द भी नहीं होता। मैं एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहता हूं जिससे पूरी दुनिया का दर्द खत्म हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ लोगों को तो दर्द सहना पड़ेगा। इसके लिए आप ऐसे लोगों को तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं? गिरीश, तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूं। तुम यहां पेशेंट्स को लेकर आओगे जिन पर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। मरने के बाद भी मेरा काम बंद नहीं होगा, समझे? नहीं, मैं ये गंदा काम नहीं करूंगा। पिताजी ने जो आपके साथ किया वो सही किया। अगर मुझे आपके बारे में पहले से पता होता तो यहाँ कभी नहीं आता। मैं जा रहा हूं, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं यहां से। हॉस्पिटल में जितनी भी डेड बॉडीज हैं, उनका इल्जाम तुम पर आएगा। आपको
कोई रास्ता नहीं, तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। चलो 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 चलो। गिरीश, गिरीश, इसने गिरीश को भी फांस लिया, अब मैं क्या करूं? गिरीश, 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 इस आदमी ने बहुत सारे मासूम पेशेंट्स की जान ली है, सबूत है मेरे पास, ये देखो, ये डायरी देखो गिरीश, ये आदमी शैतान है, इस डायरी में इसके सारे राज हैं। मेरे दादाजी महेश नाथ को भी इसी ने मारा था। मेरे एक्सपेरिमेंट पूरे नहीं हुए और मेरी आत्मा यहां भटक रही है, लेकिन अब मेरे एक्सपेरिमेंट पूरे होंगे तुम्हारे साथ, बाकी लोगों के साथ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सके। मैं सबको बता दूंगी, मैं सबको बता दूंगी। गिरीश, गिरीश, क्या कर रहे हो तुम? गिरीश, गिरीश, स्टॉप इट प्लीज, भगवान के लिए गिरीश, क्या कर रहे हो तुम? गिरीश, कनेक्शन चेक करो, वोल्टेज अभी भी कम है। गिरीश प्लीज, गिरीश प्लीज, ऐसा मत करो। ये तुम क्या कर रहे हो गिरीश? तुमने मुझे यहाँ ये हॉस्पिटल शुरू करवाने के लिए बुलाया था, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो गिरीश? प्लीज गिरीश, इस लड़की की आंख के पास एक छोटा सा कट लगाओ। गिरीश रुक जाओ, प्लीज गिरीश ऐसा मत करो, प्लीज गिरीश, नहीं। कर लोगे ना? क्यों नहीं करोगे? आखिर तुम डॉक्टर डैंग के पोते हो। गिरीश नहीं, गिरीश प्लीज ऐसा मत करो। किस्मत भी कितनी अजीब है ना, मैंने तुम्हारे दादा को मारा और आज मेरा पोता तुम्हें मारेगा। तुमने तो सचमुच मेरा हॉस्पिटल फिर से शुरू कर दिया। बेटा डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो, पूरा ध्यान लगाओ। मैं और तुम मिलकर इस शैतान को मार डालेंगे। इसने मुझे तो मार डाला, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। ध्यान लगाओ बेटा। जी ने कहा था आंखें बंद करो, मुझे याद करो और ध्यान लगाओ। वापस आ सकता है तो पेशेंट्स भी आ सकते हैं। तुमने उन सबको
आत्माएं आकर तुमसे अपना बदला लेंगी। ए आत्माओं, आओ, आज वो दिन आ गया है जब तुम्हें अपना हिसाब लेना है। आओ, आओ। तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। आ गई हूँ डॉक्टर, मैं वापस आ गई हूँ। तुमने मेरी आग फोड़ी थी ना, अब मेरे हाथ बंधे नहीं है। बहुत तड़पाया था ना तूने मुझे डॉक्टर। आज तुम्हें सारा हिसाब चुकाना पड़ेगा डॉक्टर डैंग। ये नहीं हो सकता, तुम सब मर चुके हो। मैंने तुम्हारी मदद की थी, मैंने तुम्हें दर्द से आजाद किया था। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। हट जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। गिरीश, 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 उठो गिरीश, उठो। शालिनी, तुम ठीक हो? डॉक्टर डैंग कहाँ है? डॉक्टर डैंग हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चले गए हैं। I'm sorry, शालिनी, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। एक्चुअली पता नहीं, मैं शायद होश में नहीं था। I'm sorry. मैं जानती हूँ गिरीश, डॉक्टर डैंग ने तुम्हें अपने काबू में कर लिया था। डॉक्टर डैंग ने कई मासूम लोगों की जाने ली, लेकिन कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि अब मेरे दादाजी की आत्मा को शांति मिल गई। और डॉक्टर डैंग का डर इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया।